आप सभी का स्वागत है। और आज आपको कष्ट देने का प्रमुख कारण ये बना कि 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने जो एक टास्क फोर्स बनाया था इस बात के लिए कि विदेशों में जो भारतीय पूंजी है, जो धन कुछ लोगों ने विदेशी बैंकों में, विशेषकर स्विट्जरलैंड में और अन्य इस प्रकार के टैक्स हेवन्स में जमा किया है, उसके बारे में वे जितनी जानकारी कर सकें वो करें और पार्टी को क्या करना चाहिए उसके बारे में, शासन को क्या करना चाहिए उसके बारे में, इसके बारे में अपनी राय देते रहे। उस टास्क फोर्स के जो चार सदस्य हैं वो चारों आज यहाँ पर उपस्थित हैं और उनका मैं संक्षिप्त परिचय करवा दूं। उसमें प्रमुख सबसे, जिन्होंने सबसे अधिक परिश्रम किया है, मेहनत की है, वे प्रोफेसर वैद्यनाथन हैं। आप बेंगलोर में हैं और प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। उनके साथ साथ श्री अजीत डोवल हैं। मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इनको चुनते हुए सोचा ये था कि पार्टी के ही लोग छानबीन करें इस विषय की, उसकी बजाय जो इस मामले में इनपुट दे सकते हैं मूल्यवान बाहर के लोग। और मैं आपको ये भी जिक्र करूँगा कि सबसे पहले मुझे 2008 में प्रोफेसर वैद्यनाथन ने ही एक पत्र लिखा था इस विषय में और उनकी प्रेरणा से ही मैंने 2008 में ही प्रधानमंत्री को अप्रैल 2008 में एक पत्र लिख करके, जो LGT बैंक है लिंचिंस्टन में, उसके बारे में बताया था कि मुझे पता लगा है कि उनके उनसे जर्मनी ने पूरे नाम प्राप्त कर लिए हैं कि जिन जिन विदेशियों ने उनके यहाँ पर जमा करवाया है। लेकिन जर्मनी का कहना है कि हमारे तो उसमें 500-600 लोग हैं, बाकी जो नाम हैं सारे बाकी देशों के हैं, और अगर वो देश हमसे मांगना चाहेंगे तो हम देने को तैयार हैं। इसके आधार पर मैंने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री को कहा था कि उसमें भारतीय है कि नहीं है इसका पता लगाना चाहिए, और अगर है तो उसकी जानकारी करनी चाहिए, कौन कौन है और कितना अमाउंट है और वो हमको कैसे मिल सकता है। प्रधानमंत्री ने एक्नॉलेज किया था मेरा पत्र और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं वित्त मंत्री चिदंबरम जी को भेज रहा हूँ जो आपको जवाब देंगे। उन्होंने एक जवाब दिया था बाद में, 2-3 महीने बाद, जो कि मैं बहुत उससे संतुष्ट नहीं था, लेकिन आरंभ उससे हुआ। फिर उसके बाद अजीत डोवाल हैं कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ रहे हैं, हेड रहे हैं, और इस नाते कई पहलुओं में जहाँ पर भी क्राइम होता है तो क्रिमिनल मामलों में उनकी सलाह ज़रूरी होती है। और मैं मानता हूँ कि ये जो कुछ विदेशी बैंकों में धन है वो केवल टैक्स इवेजन का धन नहीं है, वो टैक्स इवेजन हमारे यहाँ पर अपराध होगा लेकिन स्विट्जरलैंड में अपराध नहीं था, कम से कम कुछ समय पहले तक। लेकिन बाकी अपराधों से प्राप्त धन वह भी विदेशों में गया हुआ है और वह बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद गुरुमूर्ति जी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और हमसे संबंधित रहे हैं, चाहे वो BJP में फॉर्मली कभी नहीं रहे लेकिन संबंधित रहे हैं, परिचित रहे। हाँ, जो आखिरी हैं वो वकील होते हुए भी संबंधित बहुत साल रहे लेकिन वो पार्टी में भी शामिल हुए हैं, हमारे महेश जेठमलानी। और आज इनकी रिपोर्ट मिलने के बाद, और वो रिपोर्ट पहले पहले मैं निवेदन करूंगा, सब जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, टास्क फोर्स के मेंबर बैठे हैं, हमारी पार्टी के प्रमुख अधिकारी अध्यक्ष बैठे हैं,
दोनों सदनों में हमारे जो विपक्ष के नेता हैं मेरे वर्षों तक सहयोगी रहे हुए सुषमा जी और अरुण जी बैठे हैं, और सबसे प्रमुख बात है कि हमारे मुख्यमंत्रियों में से जो सबसे वरिष्ठ हैं प्रकाश सिंह जी बादल, वे भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और फिर हमारे एनडीए के चारों प्रतिनिधियों चारों उसमें उपस्थित हैं। आज प्रातःकाल रिपोर्ट मिलने के बाद हमने सबसे पहला काम किया कि एनडीए के प्रतिनिधियों की बैठक बुला करके फ्लोर लीडर्स की, उनको यह पेश किया, उनसे चर्चा की, उन्होंने इसकी पुष्टि की, और उनको मैंने इस बात का भी स्मरण दिलाया कि 6 तारीख को इस जनवरी की हमने इस विषय पर चर्चा की थी, और एक पत्र सबने मिलकर के एनडीए के नेताओं ने, जिनमें शरद यादव जो कि एनडीए के कन्वीनर हैं वे भी सम्मिलित थे, तब भी थे आज भी थे, हमने पत्र प्रधानमंत्री को लिखा, और पत्र विस्तृत था, और हम अपेक्षा करते थे कि पत्र का उत्तर नहीं आएगा तो कम से कम एक्नॉलेजमेंट आएगा, अभी तक तो नहीं आया है और उत्तर तो नहीं आया है। और अच्छा होगा, हमने कहा कि अब जो रिपोर्ट आई है टास्क फोर्स की, उस टास्क फोर्स की रिपोर्ट को हम उस पर विचार करें। और आज जो हम मैं सोच रहा हूं कि पत्रकारों को कहूं उसके बारे में भी विचार करें, तो उन्होंने सहमति प्रकट की उस बात पर। हमारे बाकी साथी बैठे हैं, शिवसेना है और गोपीनाथ जी मुंडे हमारे लोकसभा में उपनेता हैं, वे उपस्थित हैं, और उसी प्रकार से उपनेता राज्यसभा में अहलूवालिया जी हैं, वे उपस्थित हैं, और पहला कार्य होगा, मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर बैठे हुए सभी जितने लोग हैं वे इस जो रिपोर्ट हमको दी है टास्क फोर्स ने, उसको औपचारिक रूप से जनता को रिलीज करें इस मंच के माध्यम से। जाने से पहले आप सभी को भी मिल जाएगी रिपोर्ट भी है, उसकी समरी भी है, इसमें तो दोनों मिल जाएंगी। और मुझे आपसे निवेदन ये करना है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि इस विषय का पार्टी की दृष्टि से आरंभ कैसे हुआ। वैद्यनाथन जी के एक पत्र से हुआ, जिसमें उन्होंने मुझे जानकारी दी थी कि यह ब्लैक मनी का सवाल भारत में बहुत सालों से चलता आया है, खास करके जब टैक्सेशन के रेट्स बहुत हाई थे तब ब्लैक मनी टैक्स इवेजन होता था, और टैक्स इवेजन वह स्विट्जरलैंड में अपराध नहीं, और इस कारण वहां पर सब लोग जमा करवाते थे, जो भी टैक्स बचाता था और जो ब्लैक मनी इस प्रकार से जनरेट करता था वो सब बचाते थे। लेकिन बीच बीच में लोगों को ये भी पता लगता था कि जो भ्रष्टाचार का पैसा है वह भी इस रूप से जाता है, या इतना ही नहीं तो टेररिज्म के लिए भी पैसा जाता है, या वहां से पैसा आता है टेररिज्म के लिए। और मेरी जानकारी में जिस समय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे एन के नारायण थे, उन्होंने इस बात की चिंता प्रकट की थी कि ये जो पैसा आता है टेररिज्म के लिए वह इस प्रकार के सोर्सेस से भी आता है। और देश में चिंता बढ़ती गई लगातार, और इतना ही नहीं तो इन दिनों में खास करके जब ये एक साथ अनेक स्कैम्स आए, तीन स्कैम्स तो एक साथ आए, शुरुआत तो हुई थी जब यहां पर कॉमनवेल्थ गेम्स हुई
और कॉमनवेल्थ गेम्स के समय मुझे याद है कि मैं कभी भी विदेशों से किसी से मित्र से परिचित से पहचान वाले से बात करता था तो वो कहते थे कि ये यहाँ पर टेलीविजन पर दिल्ली के बारे में कोई न्यूज़ आती है तो कॉमनवेल्थ गेम्स की आती है और वो कोई अच्छी नहीं आती, सब नेगेटिव आती है, केवल मात्र घोटाले क्या हो रहे हैं, भ्रष्टाचार कैसा हो रहा है और किस प्रकार के मकान बने हुए हैं और सांप है फलाना है ढिका है, दुनिया भर की बातें आती थी। केवल जिस समय खेल एक्चुअली हुए तब कुछ कॉम्पनसेट हुआ हमारे स्पोर्ट्समैन के कार्य के कारण, परफॉर्मेंस के कारण, या दो दो जो ओपनिंग फंक्शन क्लोजिंग फंक्शन हुए काफ़ी अच्छे हुए प्रभावी हुए वह कुछ कॉम्पनसेशन था, लेकिन ओवरऑल जो इमेज बना इतने बड़े महत्वपूर्ण इवेंट का वह नेगेटिव ही बना, वह कोई पॉजिटिव इमेज देश का नहीं बना। फिर उसके साथ साथ फिर स्पेक्ट्रम का मामला आ गया, वो तो बहुत गंभीर होता गया और विथ एवरी पासिंग डे इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर स्टिंकिंग मर्कियर। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट जिस सेना की इतनी हम तारीफ करते हैं इज्जत करते हैं वो सैनिक भूमि सेना के लिए भूमि डिफेंस की भूमि और जिसकी कल्पना थी कि कारगिल के विधवाओं को दी जाएगी या और लोगों को दी जाएगी उसका जिस प्रकार से तथ्य सामने आए थे तो कुल मिलाकर के देश में बहुत उसके कारण चिंता पैदा हुई। यहाँ तक मैं मानता हूँ कि इतने सालों से मैं भी 40 साल से तो हूँ लगभग पार्लियामेंट में और एक पूरा का पूरा सेशन इसके कारण कोई काम न हो ऐसी स्थिति जो पैदा हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण थी। ये ठीक है कि जो भी शासन में होता है उसको इसका भुगतान सबसे अधिक करना पड़ता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो शासन में न भी है राजनीति में भी है उसको भी भुगतान करना पड़ता है। पूरे राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जो धारणा बनती है वो अच्छी नहीं बनती। अभी अभी एक पत्रिका ने सर्वे किया है करप्शन के बारे में, करप्शन सबसे अधिक किन में है करप्शन, तो उसमें अधिकांश ने कहा है कि राजनीतिक लोगों में सबसे ज़्यादा करप्शन है, सबसे ज़्यादा करप्शन कोई है तो पॉलिटिशियंस हैं, बाकी सब उसके बाद आते हैं। ये जो स्थिति है वह भी हमको इस बात के लिए सोचने को मजबूर करती है कि इस करप्शन का संबंध, मैं मानता हूं कि करप्शन का संबंध देश के इन्फ्लेशन से भी है। तो यह वर्ष 2010 का आरंभ हुआ था फूड इन्फ्लेशन से, उससे जो लोगों को परेशानी थी, लोगों का बजट बिगड़ गया उससे थी, और पार्लियामेंट में भी उसी को महत्वपूर्ण सब लोगों ने दिया और अल्टीमेटली एक समझौता हुआ, कुछ दिन कार्रवाई नहीं चली और समझौता हुआ कि इस रूप में प्रस्ताव पारित किया जाए और सरकार कमिट करे अपने को कि हम इन्फ्लेशन को रोकने के लिए कदम उठाएंगे।